हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने CMF फ़ोन 1 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे में टाइमर के साथ फोटो को कैप्चर कैसे कर सकते हैं, वो भी 10 सेकंड में। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का कैमरा ओपन कर लेना है। कैमरा ओपन करने के बाद आपको नीचे फोटो का जो ऑप्शन है फोटो पर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ये ऑप्शन है, 3 डॉट पर टैप करना है। अब देखिए इस पेज में आपको ये टाइमर के सामने जो तीसरा ऑप्शन है 10 सेकंड का, 10 सेकंड पे सेलेक्ट करना है। तो ये 10 सेकंड पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको कैमरे के स्क्रीन पे आ जाना है। अब यहाँ पर आपको कैमरा का जो फोटो है ना कैप्चर करने का बटन, ये आपको टैप करना है। तो आपका ये देखिए काउंटिंग यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो ये काउंटिंग जैसे 0 पे आ जाएगी ना, तो आपकी फोटो जो है ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, कैमरा टाइमर में 10 सेकंड से कैमरा टाइमर सेट करने से ऐसा होता है कि आप कभी भी जैसे सिंगल हैं कभी भी, ठीक है, किसी जगह पे सिंगल खड़े हैं, तो आप अपने मोबाइल फोन के कैमरे में टाइमर सेट करके आप जो है मोबाइल फोन को किसी भी जगह स्टैंड करके उसे जो है फोटो को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन के कैमरे में टाइमर के साथ फोटो को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है।